किसी मुसलमान को हिंदू बना रहे हो, मजाक बात है? हाँ, उसका कुछ तो नागन कर देता। तुम बन जाओ, काजी के पास जाओ। दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की हिंदू बन जाती है, लेकिन जब उसका केस कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट के जज क्या फैसला सुनाते हैं, इसे हर मुसलमान को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल की मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के झांसे में आकर अपना धर्म बदल लेती है, जिसकी वजह से उन लड़कियों का दुनिया व आखिरत बर्बाद हो जाता है। और हमारा सलाम है ऐसे जजों को जिनके वजह से हमारा देश बाकी है। किसी मुसलमान को हिंदू बना रहे, मजाक बात है? उसका कुछ तो नागन कर देता। तुम बन जाओ, काजी के पास जाओ। अब ये मुसलमान बन के लौट से वापस में मुस्लिम से लड़की हिंदू बनने आई है लौट से, अब ये 10 महीने से कस्टडी में भेजा है लौट से। तो मुसलमान बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। नियम शगर अगर हमारी नजरों में ये बात एक्सेप्ट हो जाएगी तो समाज का क्या होगा? तो लड़की हिंदू हो गई कि मुसलमान ही है वो? नहीं नहीं, हिंदू। किसने हिंदू बनाया उसको? लौट से अल्टीमेटली आर समाज मंदिर में शादी की थी। उसको हिंदू किसने बनाया? आर समाज मंदिर में। अच्छा, तो वो दिल्ली से आए हो तो बहस वो करो जो कानून में बात हो, यहाँ वहाँ लफाजी मत करो। कानून ये है कि जनाब आर्या समाज एक्ट 1937। आप मुझे पहले बताइए, ये डॉक्यूमेंट आपने किस एक्ट में ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर किया? शो मी द एक्ट। ये तो भी जेल जाएगा। नहीं, इनसे बात करना, मेरी तो महिला पहले से अंदर है। वो तो जाएंगे निकेतन में उसको। ये तमाशा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नहीं तो लॉर्डशिप, वो मेजर है लड़की। उसका कुछ तो नागन कर देता। तुम बन जाओ, काजी के पास जाओ। अब ये मुसलमान बन के लॉर्डशिप वापस में मुस्लिम से लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्डशिप, ये 10 महीने से कस्टडी में भेजा है लॉर्डशिप। तुम मुसलमान बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लॉर्डशिप, ये मुसलमान बन के क्या करेगा लॉर्डशिप? उसने जो तुम समझो क्या करेगा उस बच्ची को, मुस्लिम से हिंदू बनी है, ये फ्रॉड करके उसको कन्वर्जन कर दिया है। ये बताओ, ये कोई तरीका है? ये ना कोई तुम्हारा स्टेटस है ना कुछ। अभी तो इसमें काजी कोई बनवाएंगे इसमें हम? आप लोग किसी हिंदू किसी मुसलमान को हिंदू बना रहे, मजाक बात है? नियम शगर अगर हमारी नजरों में ये बात एक्सेप्ट हो जाएगी तो समाज का क्या होगा? पहले आप बहस कर रहे हैं कि आप डेट मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? डेट तो मैं मांग ही रहा हूँ, मगर कन्वर्जन मैंने नहीं कराई, मेरी पावर नहीं है कन्वर्जन की। मैं बात क्लियर करना चाहता, मेरी पावर कन्वर्जन की नहीं है। समाज एक्ट के तहत दोनों आर्या समाजी बने और उनकी डिक्लेरेशन। मिस्टर काउंसिल, आर्य समाज आदमी कोई मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी? आर्या समाज एक्ट है 1937। काम कर दो, बहस कर दो। नहीं, बहस के लिए जनाब ने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए मैंने टाइम। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, या तो बहस करो या टाइम लो। एक काम करो, टाइम दे दो जनाब। हाँ, टाइम दे रहा है नहीं से हम बात कर रहे हैं। मैंने नहीं कर, ये मैं ध्यान रखो, लड़की ने अपनी मर्जी से किया है। हाँ, लड़की ने किया है। फैजल कहाँ है भाई? फैजल को बुलवाओ। फैजल आए क्या? और इन्होंने लिख दिया सर्टिफिकेट पर। ये सर्टिफिकेट आपने किस एक्ट में जारी किया? आर्या समाज उसमें कहाँ लिखा है कि आर्या समाज में जनाब? मुझे ये बताओ, आर्य समाज में कहाँ लिखा है मैरिटेशन एक्ट में दैट यू कैन इश्यू सर्टिफिकेट? नहीं, आर्या समाज ही बन गई वो तो डिक्लेरेशन। ऐसे नहीं होता, स्टेट हैज टू रेगुलेट इट। रेगुलेट नहीं, ये आप यू आर क्रिएटिंग अ हैवॉक। कल के दिन आप मौलवी बन जाओगे, एक ट्रस्टी बनवा लोगे और फिर क्या करोगे? हिंदू लड़के को मुस्लिम बना के बोलोगे तो निकाह हो गया? क्योंकि हम तो आर समाज वाले हैं, हमारे यहाँ जात पात कुछ चलता नहीं है, और इसलिए मुसलमान बोलता मैं हिंदू बन गया तो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। ये गोरख धंधा बंद करो जनाब, आज से ही बंद। तो बोलो तरफ से आई अंडरटेक बिफोर दिस कोर्ट, इफ इट इज अनलॉफुल प्रैक्टिस, 100% अनलॉफुल है, बिकॉज वी हैव नो अथॉरिटी इन लॉ टू इश्यू सर्टिफिकेट।